दिस इज आवर चैनल द वियर्ड। वेलकम। इंसान अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है, और इस सब्जेक्ट को देखने के बाद दो सवाल हमेशा हमारे मन में आते हैं, ये क्यों है और ये क्या है। ऑफ कोर्स इट्स अ सेकंड स्लीपिंग पिल कॉल्ड हिस्ट्री। किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इफ नॉट ट्रीटेड वेल, नॉट टॉट वेल, ये सब्जेक्ट सबको सुना सकता है, किसी को भी सुना सकता है। लेकिन ये जरूरी क्यों है? रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हिस्ट्री की क्या जरूरत पड़ती है, या अपने रोज की लिविंग में हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें किसी ने बताया नहीं, और इसी वजह से हमें लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्यों है, Why history and what is history? इन दो सवालों के जवाब मैं अपने ढंग से देने की कोशिश करूँगा। See, physics, chemistry, biology, all sciences are there. लेकिन science की भी अपनी history होती है। कोई भी model एक दिन में build up नहीं होता। उसके पीछे failure हुए कितने model होते हैं? Edison got its bulb right after the 999th failed attempt. So that's a big history. In that 999th attempt, he know what not to do, and in 1000 attempts he got it right, and the world lighted up, the Menlo Park lighted up. यही हिस्ट्री का। होम्योपैथी में, मेडिकल साइंस में एक टर्म है, केस हिस्ट्री। अगर किसी इंसान को डायग्नोसिस करना है, किसी इंसान की ट्रीटमेंट करनी है, तो कोई भी डॉक्टर पहले उसकी हिस्ट्री पूछेगा, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या करते हो, आपको किसी की एलर्जी है क्या। और होम्योपैथी में तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तक जाता है कि सर आपका स्वभाव क्या है, आप क्या करते हो, आपको कब गुस्सा आता है, कब नहीं आता, इसके ऊपर डिसाइड है कि आपकी हिस्ट्री। हर चीज की हिस्ट्री की कोई ना कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, और इसी की वजह से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री क्या है? वो बैकवर्ड थ्रस्ट जो फॉरवर्ड जाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बैकवर्ड थ्रस्ट इज वन ऑफ द फेमस फिनोमेनन्स इन फिजिक्स, यू नो, रॉकेट जब भी उड़ता है, आप इसरो के किसी भी वीडियो में देखो, रॉकेट उड़ता है तो नीचे आग जाती है, प्रोपेलेंट की आग जाती है, वो जितना बैकवर्ड थ्रस्ट दे पाता है उतने ही जोर से रॉकेट ऊपर जाता है। बंदूक की गोली, रिवॉल्वर, AKM, टेक इट एनी गन, उसको अगर गोली ज्यादा जोर से फायर होती है तो उतना ही जोर का बैकवर्ड थ्रस्ट आता है। जैसे कि तोप, एनीथिंग यू गेट, एनीथिंग व्हिच यू हैव टू सेंड फॉरवर्ड शुड हैव अ बैकवर्ड थ्रस्ट। Without having a backward potential thrust, you should not go forward. Anything should not go forward. That is a fixed law without any kind of exceptions. तो हमें आगे जाना है। अभी भाई साहब क्या हिस्ट्री के जमाने? अभी तो हम जेनेटिक्स में हैं। अब आगे जाएंगे, पैरेलल यूनिवर्स खड़ा करेंगे, हमारा खुद का जीन कार्ड होगा, पर्सनलाइज मेडिसिन होगा, ये सब ठीक है। लेकिन उस जीन मॉडल की भी हिस्ट्री थी, जीन के भी बहुत सारे मॉडल थे। तब जाके आया 1963 में वॉटसन क्रिक, उसने बताया क्या है ए टी जी सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके भी कई फेल्ड मॉडल्स है, और तब जाके आई आज की थ्योरी मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, आपको पीछे जाके सीखना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं ताकि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं, उन्होंने क्या किया जो हमें करना चाहिए, और उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री आई फील गिविंग राइट। तो आज से और अगले वीडियो से हम अलग अलग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट्स को ध्यान से स्टडी करेंगे, जो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं समझ में आते, कंफ्यूज करते हैं। जैसे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, व्हाट इज असेंबली, असेंबली में बैठ के लोग क्या करते हैं, व्हाट इज लीगल एस्पेक्ट, व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिकल एस्पेक्ट, ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन आई जेन्युइनली वॉन्ट टू attend all the videos, like, share, comment and subscribe to our channel, The Weirdoss. Basically, hit all the buttons.